कार्तिक का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर दीप दान कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हो, बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी का गुणगान गाकर आप लगा कर देखो दीप, बाबा क्यों ना सुने, क्यों ना सुने, महाराज ब्राह्मण देवता रो रही है, पत्नी बोल रही है क्या हो गया, आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है क्या? धर्म पत्नी कहती है अंदर से भोजन ला कर दे दी, कोई दरवाजे से खाली ना जाए, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, जो दुकान पर बैठकर कमाया, नौकरी कर कमाया, सर्विस कर कमाया, छल से कमाया कि बेईमानी से कमाया कि झूठ बोलकर कमाया कि कपट कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग एक का दो कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी बच्चे भी करेंगे, किस तरह से कमाया उसका धन का भोग पत्नी और बच्चे सब करेंगे, परिवार पूरा तुम्हारी कमाई का भोग करेगा, पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना कि जिस तरह से कमाया है उसके कर्म का भोग ना पत्नी को भोगना पड़ेगा ना बच्चों को भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तू अकेला भोगेगा, इसलिए तैयारी कर रखना कि कमाओ पत्नी और बच्चों को दो, परिवार में खर्च करो मना नहीं है, पर किस तरह से कमाया है उसकी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर कहीं दान में, कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं किसी गरीब की विद्या में, कहीं किसी के मंगल विवाह में, कहीं बाबा के चरणों में, कहीं ना कहीं कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते चलना, क्योंकि कर्म का भोग पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे, तूने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा, तब उस परमात्मा के सामने तेरी जब फाइल खुले तो परमात्मा भी कहे कि तूने झूठ बोलकर कमाया था, छल कर कमाया था, कपट कर कमाया था, बेईमानी कर कमाई थी, पर उसकी कमाई का भाग तूने कहीं अच्छी जगह पर लगाया था, इसलिए उनको भी बैकुंठ ले गया और तू भी बैकुंठ आ गया, कर्म का भोग तुझे भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा, करो तुम्हें जो करना है करो, पर भोगने के पहले, देने से पहले उसमें से अगर 100 रुपए पत्नी को दे रहे हो कि ले अलमारी में रख दे, कमा कर लाया हूं, नौकरी का आया है, सर्विस का आया है, रखो अलमारी में कि बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, विद्या में लगाएंगे, ये सामान लाएंगे, धनतेरस पर जाएंगे तो ये सामान, उससे पहले उसमें से कमाई निकालकर थोड़ी सी अलग रखना कि यह सत्कर्म में लगाना, मैंने लेकर आया हूं सत्कर्म में, सत्कर्म की ओर लगा। फिर कहेंगे अगर दान भी नहीं कर सकते हो, किसी जगह पर लगा भी नहीं सकते हो, तो अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर खर्च करो। एक ही जोड़ मोजे, उसके भी अंगूठे फट गए, मोजे पीछे रह गए, अंगूठा बाहर निकल गए। पत्नी ने कहा सुनो बच्चे के मोजे लाना है, पिता गया मोजे ला कर दे दिए, सुनो बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा पाउडर का डब्बा ले आना, गया ला दिया, सुनो त्यौहार आ रहा है सेव मिक्सचर ला के रखना, सोन पपड़ी ला के रखना, मोहन थाल ला के रखना, गया ला दिया। पर व्यक्ति जब खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, मन करता है कि अब यार बाजार जाऊंगा तो मोजे खरीद के लाऊंगा, फिर बाजार गया काम इतना था नहीं खरीदा, फिर गया फिर काम इतना था नहीं खरीदा, खुद के लिए नहीं कर पाता, कमा खुद रहा है, ला ढेर खुद रहा है, दिन भर मजदूरी जैसा काम कर रहा है, 8 बजे से जाता है रात को 10 बजे आता है, दिन भर माथा पच्ची करता है और अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाता है, स्वयं के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहा, कमा कमा कर थक गया, 60 की आयु हो गई, अब मन में सोचा अब दिल से खाऊंगा, अब दिल से खाने के लिए जैसे ही बैठा पत्नी से कहा जा जरा सा हलवा बना ले, अच्छा देसी घी का, ऐसा देसी घी का हलवा बना, अब जब शरीर काम का था खाने का समय था तब खा नहीं पाए, अब 60, 65, 70 में बोला कि देसी घी का हलवा बना ले तो मुंडा में एक बादाम आई 4 घंटा तक चलती रही, क्योंकि सोफा सेट तो था ही नहीं,
सारा मुंडा का दांत तो निकल ही गया था, एक बादाम मुंडा में ऐसी आ गई हलवा की, सब लोग हलवा खा के चले गए, नहीं मुंडा में दांत में बस केवल एक बादाम ही निकल रही। तो इतने में बहू ने कहा, क्यों पापा तुमने ये हलवा नहीं खाया? खाऊं तो सरू परंतु ये एक ऐसी भरी है तो ये बादाम के फिर निकाल दो हलवा खा लो। अरे 400 रुपए किलो की बादाम, सुबह से डली 9 बजे से 11:30 बजे गली तब जाके अंदर पहुंची, हलवा ही ठंडा हो गया। कहा जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने थे जब दांत नहीं थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, सुधर जाओ रे भेरू सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहेंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा? समा बुझ जाएगी जलते जलते मारा चली, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा। सोचो सब दुनिया के लोग समय समय पर आने वाले हैं, सारी दुनिया के लोग समय समय पर, ठंड आती है तो स्वेटर निकल जाते हैं, बोलो सही है गलत है? इतने दिन के धरे धराए अलमारी में पेक फंसे हुए पेटी में से निकालना पड़ते, ठंड आई स्वेटर निकल गए। उसी तरह जैसे ही तुम्हारे यहां संपदा आई ढेर सारे निकल गए। हमारा काका जी का छोरा है, हमारी बुआ जी का लड़का है, हमारा नाना जी का छोरा है, ये स्वेटर की तरह है। ठंड आई तो स्वेटर निकले, जब धन आया तो दुनिया के लोग निकले। जैसे ही तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा ढेर तुम्हारे अपने हो जाएंगे, ढेर किसी को बनाना नहीं पड़ेगा। ठंड आते से स्वेटर निकल जाए उसी तरह ये निकल जाए। और जैसे ही गर्मी आई तो ये तन पे थानी, वे भी ऑफिस से आते से लो भैया उतारो, सब उतार उतुर के दादा बनियान पे तब बैठा, सब गया गर्मी आई सब उतरी गया। जब समय आया बेकार जितते थे सब, शाम का समय प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन प्रदोष काल, शाम का समय भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के। देखिए अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों बहुएं हों सास हो ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों,
चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रख कर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एकाध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे, पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हों वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया, कार्तिक महत्तम की कथा कह रही है, कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था, पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो, जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे मंदिर में नहीं फेर रहे, नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, स्वीपर आता साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे, उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो, क्यों, क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो यह कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतारा, हम तो जीने से भी बाहर एकदम गेट के बाहर मैं उतार, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है,
तुम्हारे यहां अगर चार लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहरी रहेगी। आओ आप, कंकर से शंकर, शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह, अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, सात बार दिन भर में से कितनी बार, सात बार विष्णु पुराण कहती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर सात बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है सात बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा और लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन सवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कवि की पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है, सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं, भैया क्यों नहीं रखते हैं? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां चलनी होगी झाड़ू होगी तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए, तो समझ में नहीं आया हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है, जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते बात करते चित्त करते आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे, आय व्यय देखने बैठे, दुकान व्यापार की बात करने बैठे,
बैठे हैं, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हॉल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है। भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हॉल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हो, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा, संपदा लेने जा रहा, और जिसको वह विवाह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैंची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। और दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा? चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल जब मंदिर जा रहे हो, तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके हैं कथाओं में, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन किया, किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना, 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे, कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ? छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है छाता? क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? किस लिए देना पड़ेगा? उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी, समीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है कि गलत है? केवल मांग का टीका अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही, किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की ले गई। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं,
एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? एक, वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो एक ही है नहीं, वो तो बार बार गिना है तो छः बार गिना है, तो फेंकी तो एक ही है कि बदल बदल के फेंक दी, पीली नीली हरी गुलाबी, नहीं एक ही है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में छह जा रही है, एक साल निकल गया, एक दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी, अरे साहब एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी, तो के बाउंड्री तक तो पहुंच गई है, अब की बार जो फेंकी तो के ऊपर से निकल गई, सीधे छे पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है एक ही गेंद है, छह बार फेंकी है, शास्त्र कहता है सात बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, पर कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है, मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कई करूँ, मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा, तुम भले कंप्यूटर चलवाओ चाहे मोबाइल उड़वाओ चाहे तुम लिखा बड़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है उसको तो करना, बोलो साहब क्या करना पड़ेगा, लग जाओ कंप्यूटर पे लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना, वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे, लक्ष्मी जी भी टाइम टाइम पे आती है, आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है, कई कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई, लक्ष्मी जी सोचे बताओ ऐसा तो पहले से रख अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं, लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ ऊपर की जो चापड़ चापड़ थी उनने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गई, लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊं छलनी में से, जा उधर नहीं जाऊं, कितना कितना कहा है महाराज, केवल एक दिन का इंतजार रहता, दिवाली आए लक्ष्मी जी महाराज घर आएगी, ने लीप लिया ने पोत लिया ने मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पांव भी मांड लिया ना, कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मोक घूर के बैठी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊँ री जी जी, मैं तो रोज आऊँ पर कई करूँ थारी बुद्धि काम नहीं करे, मैं कई करूँ फिर के लक्ष्मैया अब की बार आ गई तो जाजे मती री, बड़ी तकलीफ में हूँ, लक्ष्मी जी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, दिवाली का दिन है हमारे 10 के घर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो गुजिया पपड़िया मिलता है, नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा पर रोज आऊँगी प्रतिदिन आऊँगी, तू अगर मुझे रोक सकती और अपने घर में बुला सकती है तो बुला ले, और आऊँगी मैं प्रतिदिन और जाऊंगी भी मैं प्रतिदिन, लक्ष्मी आती भी खूब है और जाती भी खूब है, एक जगह टिकती कभी नहीं है, बस उसको बुलाने का तरीका होना चाहिए, रोज भगवान चाहता है कि तेरा दिन फिर जाए, कथाओं में भी आप लोग बोलती हो आंवला नवमी वगैरह की, बोलना जैसे ही का दिन फिरया, ऐसी बोलती हो ना कथा कहानी सुनती हो जब, कैसे बोलते हो कहानी सुनने के समय पे, ये जैसे ही का दिन फिर जाने वैसा हमारा दिन फिर जे माता, ऐसा कर जे माता, तो माता जी बोले मैं तो रोज का दिन फेरूं तेरा, तू काय के चिंता करे री कमला, काय चिंता करे, मैं तो रोज का फेरूं, तू सुधरे तो मैं तो बिल्कुल तैयारी में। ब्राह्मण बेलपत्री को भर रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण भर रहा था, पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया इसके पास कुछ भी नहीं है, आपका भगत है ये, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है, सुनो पार्वती जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तो चिंता मत कर, शिव पार्वती को कहकर चल दिए। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जित्ती बेलपत्र भर के ले जा रहा है
उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा, जितनी बेलपत्र है चढ़ी हुई मुझे दे दे, जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज अब चढ़ी हुई, ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप करोगे क्या? क्या करोगे इस चढ़ी हुई बिलपत्र का? महाराज ये चढ़ी हुई जो बिलपत्र है ना, आप मुझे दे दो, मैं 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं। धर्म पत्नी ने कहा, दे दो। ब्राह्मण बोला, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है, जब आप भगवान की पूजन करो, पूजन करने के बाद जब विसर्जन होता है देवताओं का, आप पूजन पे से ब्राह्मण निर्माल्य उतारते हैं, तो यजमान का कार्य है, जो निर्माल्य नीचे उतारा गया है उसको नेत्रों से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये यजमान की पूंजी है, ये ब्राह्मण की पूंजी है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन करने वाला ब्राह्मण, भगवान की भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण, भगवान के भजन में, मंदिर देवालय में पूजन करने वाला ब्राह्मण, जब यजमान से पूजन कराता है, पूजन कराने के बाद जब निर्माल्य को उतारता है, जो चढ़ी हुई वस्तु है जब वो निर्माल्य होती है उसको उतारा जाता है, तो ब्राह्मण भी यजमान से कहते हैं, इसको नयनों से लगा लीजिए, ये साधारण नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये मेरी पूंजी है जो भगवान पे से उतरी है, मैं अपनी बेलपत्र क्यों दूं? नहीं, दे दो, 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा भी तो मिल रही है, अपने बच्चों का पेट भराएगा। ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा के लिए दे दिया। बनिया ले गया बेलपत्र को, भगवान ने कहा था ये बेलपत्र धोकर ब्राह्मण चढ़ाएगा तो इसको उतनी ही स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी जो उतरी हुई। आपको पहले भी कहा, केवल एक बेलपत्र ऐसी है जो उतरने के बाद धोकर फिर चढ़ा दो। बनिया बैठ गया, आज नहा धो के स्नान करके चढ़ाने लगा। अब इसका मन शंकर जी में तो था ही नहीं, इसका तो उत्ता था कि ये जितनी चढ़ेगी उतनी स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब ये तो लालच से कर रहा था। चढ़ती गई चढ़ती गई, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। इसने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ा और उस बनिए ने, उस सेठ ने शिवलिंग को पकड़कर कहा, ए शंकर, मेरी 100 सोने की मुद्रा चली गई तेरे चक्कर में, आज मैं शिवलिंग को उठा लेता हूं। जैसे ही शिवलिंग को पकड़ा, ऐसा चिपक गया, हाथ ही नहीं निकला, हाथ नहीं निकला, चिपका हुआ हाथ निकल ही नहीं रहा, आंख से आंसू निकलने लगे, सुबेरे से लगा था, हाथ नहीं खुल रहा। शंकर भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, उसके भाग्य का धन तू लेना चाहता था? 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दान दे, क्योंकि उसके भाग्य की थी ये बेलपत्र, तब हाथ छूटेगा। बनिया बोले, पहले हाथ तो छोड़ो, तो 1000 मुद्रा दूंगा। इसने सोचा कि 1000 मुद्रा तब दूंगा जब हाथ छूटेगा, हाथ छूटेगा तो कौन देगा? भाई एक व्यक्ति की गाय खो गई, गौ माता खोई, तो इसने
हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरी गाय घूम गई है, आप हनुमान जी गाय ढूंढ दो। तो हनुमान जी ने ऐसी कृपा कर दी, एक व्यक्ति सामने से दौड़ कर आया, हे प्रभु मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, 5 रुपए का, आप मेरी गाय ढूंढ दो। सामने से दौड़कर एक व्यक्ति आ गया, उसने आकर कहे, कालू वो तेरी गाय वहां पीछे से आ रही है। इसने गाय पकड़ी, चल दिया। मंदिर के पंडित जी बोले, देखो 5 रुपए का प्रसाद बोला था, तुम्हारी गाय मिल गई, चलो भगवान हनुमान जी ने ढूंढ दी, चढ़ाओ प्रसाद। उसने कहा, उसने हनुमान जी ने क्या करा, गाय तो खुद मेरे पास आ रही थी। हाथ छूटेगा, क्यों दूंगा मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा। भगवान ने हाथ ही नहीं छोड़ा, भगवान को मालूम है बहुत अकल, छोड़ा ही नहीं, क्या करूं मैं। भगवान बोले, बुला तेरे पुत्र को, और 1000 स्वर्ण मुद्रा बुला। पुत्र को बुलाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा बुलाई, बनिए से कहा, दे अब। तो कि मेरा हाथ तो छोड़ो। भगवान ने एक हाथ तो लगा कर रखा, एक हाथ छोड़वा दिया, संकल्प दे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे। 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दी, दूसरा हाथ छूटा, शंकर जी के चरणों में गिर गया, मेरा लालच मुझे चिपका दिया था। इतने में पार्वती जी आकर बोली, आपने कहा था कि ब्राह्मण को आप स्वर्ण मुद्राएं दोगे, तो ये मुद्रा आपने क्यों नहीं दी। शंकर भगवान बोले, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो अपने भक्त से दिलवाता हूं। किससे दिलवाता हूं, अपने भक्त से। फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर ना तो देगा ना तुमसे लेगा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि जी जी मुझको रसगुल्ला खिला दे, कि रबड़ी खिला दे, कि मोहन थाल खिला दे, कि थोर खिला दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे 56 भोग लगा दे। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान तो किसी को एक माध्यम बनाएगा और भेज देगा, जा तेरा वो काम हो जाएगा, माध्यम बनाकर भेजा। और हम तो कहते हैं, संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में जब एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, बीच में ये शिव महापुराण की कथा अगर कोरोना महामारी में आई है, तो ये जान लेना कि भगवान ने माध्यम बनाकर भेजा है कि तुम्हारी जिंदगी को सवार लो। विश्वास पक्का है तो भगवान मिलता जरूर है। एक दृढ़ विश्वास के बल पर मिलता। और अगर विश्वास पक्का नहीं है, भरोसा अगर पक्का नहीं है, तो फिर परमात्मा मिले कहां से। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में आप रह रहे हैं, परिवार में आप रह रहे हैं, तो बस एक बात का ध्यान कर रहना कि हम जिस परिवार में, हम जिस घर में रह रहे हैं, जितने लोग घर में निवास करते हैं, इनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर परिवार में भी हमारा विश्वास नहीं है, तो हम उसमें भी सुखी नहीं रह सकते। शिव विश्वास की ही मूर्ति है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए ब्रह्मदेव का सिर कटा था और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई थी। विश्वास का बल कितना प्रबल होता है महाराज। अगर एक दृढ़ विश्वास लेकर आप जिस पथ पर जा रहे हो, आप दृढ़ विश्वास लेकर जिस मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग आपका सुलभ होगा। कथा में आज सिलवासा से आए चमड़िया परिवार, जो पहले ऑनलाइन कथा में ही मुख्य यजमान बन चुके हैं, पूरे सिलवासा में भगवान की भक्ति और भगवान शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ जो उनकी धर्म पत्नी बैठी है, उनका काम ही यही है कि आप शंकर का ये एक प्रयोग कर देख लो, अगर बाबा कृपा कर दे तो अच्छी बात है।
करुणा कर दे। आप किसी को मार्ग बता रहे हो तो हो सकता है कि हमारे भी कुछ मार्ग सुलभ हो जाएं, हमारे भी मार्ग खुल जाएं। एक व्यक्ति अगर किसी के मार्ग को बंद कर देता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती है कि वो भी तो वहीं से निकलता था। कोई कह दे कि मैं आपको यहां से नहीं निकलने दूंगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी जिसने बंद करा है मार्ग, क्या आप भी वहां से नहीं निकल पाओगे। आप किसी के लिए अगर मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, आप किसी के लिए मार्ग खोल रहे हो, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास रखकर अगर आपने मार्ग खोला है तो उसका फल आपको मिलना ही है। आप किसी को सतमार्ग बता रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपके खाते में आना ही है। आप शंकर का भजन किसी रूप में कर रहे हो तो उसका पुण्य आपके खाते में आना ही है। उस पुण्य की परिभाषा केवल आपका विश्वास है। आज एक बुजुर्ग माता, जब सुबह 10 बजे आपसे हम मिल रहे थे, उसके पहले एक बुजुर्ग माता से हम मिले, जब उसको लेकर आए थे तो ऐसे गोदी में उठाकर लेकर आए थे, शायद कहीं बैठी होंगी, तो आज वो जब आई तो लाठी टेकते टेकते हैं, जिनके हाथ पैर में कुछ तकलीफ थी, तो पूछा कि आप पहले आई थी जब गोदी में आपको लेकर आए थे और आज बाबा ने कृपा कर दी। कहे बाबा को यही तो धन्यवाद देने आई हूँ कि 3 महीने पहले आई थी तो मुझे गोदी में लाए थे और आज आई हूँ तो पैदल चलकर आ रही हूँ, यही कृपा है। कहीं बैठी होंगी तो सुन रही होंगी, कहाँ है? अच्छा, यहीं बैठी हुई है। जरा एक बार खड़े होकर बता दो इनको भी कि देखो बाबा ने कृपा करी है, करुणा करी है, ये बाबा की कृपा। जिसको गोदी में लेकर आए थे और आज वो लाठी टेक कर कमरे तक आ जाती हैं, तो यही शिव की कृपा है महाराज। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। उदारता मेरे शंकर की है। रामचरितमानस में तो यहां तक मेरे तुलसी बाबा लिखते हैं कि गूंगा अगर बोल नहीं पाता तो वो भी शंकर पर अगर विश्वास कर ले तो बोल जाता है। रामचरितमानस को प्रारंभ करते समय कहा कि लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है अगर विश्वास पक्का हो तो, लूला भी अपने हाथ से कार्य करने पड़ता है, कार्य करने लगता है अगर विश्वास पक्का हो तो। कितना विश्वास लेकर आए हो? जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हैं या जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं या बच्चे फेसबुक यूट्यूब पर, मेरी बेटियां, मेरे युवान भाई, बच्चे आदि कादिक जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक विश्वास लेकर ही तो सुन रहे कि बाबा आज नहीं सुना तो कल सुनेगा, कल नहीं सुना तो परसों सुनेगा। पर हमारी जो कामना है, ये विश्वास रखता हूं कि बाबा पूर्ण जरूर करेगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, वो पूरी जरूर करेगा, उसके बल पर हम जी रहे हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लम नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास प्रबल हो। एक ब्राह्मण का पावन चरित्र बड़ा सुंदर आता है महाराज, बड़ा सुंदर चरित्र। एक ब्राह्मण जो गांव में निवास करता है और ब्राह्मण देवता जिस गांव में रह रहे थे, एक मंदिर था जिस मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग था, और मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करना, अर्चना करना, निवेदन करना, वही कार्य उनका था, बस वही काम, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक बात आपको कह दें अच्छे से
आप लोग सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो कथा सुनने के लिए कि बाबा हमारी विनती स्वीकार करेगा। और वही वाली बात आ गई कि सामने भगवान आ गया और उसके बाद आप इधर उधर ध्यान दोगे तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करोगे? इतनी देर तक फिर बैठने का मतलब क्या हुआ? आपका विश्वास अगर पक्का है और आप आए हो कि कुबेरेश्वर धाम में गए हैं, शिव महापुराण रूपी शंकर को प्राप्त कर हम जिस कामना से आए हैं हमारी वो कामना पूरी होगी, तो अपन उस कथा में मन लगा। दुनिया करेगी हरकत, वो तो चाहती है कि कैसे भी आप जो मांगने आए हो वो आपको ना मिले, पर आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी मौनता और आपका भजन इतना दृढ़ होना चाहिए कि कौन निकल कर गया, क्या कर गया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़े। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो विश्वास लेकर, कितने घंटे से बैठे हुए हो इंतजार करते करते, और परमात्मा की भक्ति का मिलने का समय हुआ और आप अगर शोर करें या फिर प्राप्त ना कर पाएं तो हमको भी लगेगा इतनी दूर से आए और आपकी कामना पूरी नहीं हुई। शंकर रूपी शब्दों को ग्रहण करिए। ब्राह्मण देव शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। एक धन ही मूल नहीं हुआ, किसी किसी ब्राह्मण को भले धन की मूलता हो सकती है पर किसी किसी ब्राह्मण के लिए भगवान की भक्ति ही मूल होती है। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहूंगा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इन सभी के लिए। किसी के लिए धन जरूरी हो सकता है, किसी के लिए संपदा जरूरी हो सकती है, किसी के लिए दौलत जरूरी हो सकती है, पर किसी किसी के लिए भगवान की भक्ति ही जरूरी है। उसने जन्म दिया है और अगर उसने हमको पैदा किया है इस मृत्यु लोक में, अगर जन्म दे दिया उसने तो ये पक्का है कि हम अगला जन्म फिर भोगें, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर हमारा जन्म हो, हम ये नहीं चाहते। जगतगुरु शंकराचार्य जी का चरित्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, के इस प्रपंच से हमको छूट जाना। बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या? और आपका मन हो तो भले जन्म ले लेना हो। एक बार आपसे प्रश्न किया था इसी व्यासपीठ से कि कहां जाना चाहते हो, वैकुंठ की नरक? बोला था एक बार यहीं से, इसी व्यासपीठ से। किसी एक भाई ने व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है, जहां सियोर वाला गुरुजी जाएगा वहां लिख कर दिया उसने। और वो मैसेज जो है ना वो महाराष्ट्र का है। अब भाई उसको लिख कर भेजा कि क्यों, तो कहा कम से कम शिव महापुराण की कथा जैसे 2 साल से सुन रहे हैं लगातार वैसी सुनने को तो मिलती रहेगी। बहुत वो भक्ति का बल, वो विश्वास आपका, भरोसा आपका, दृढ़ता आपकी, वो किससे भी प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से नहीं। ब्राह्मण देव शिव की अर्चना में लगे हैं, शंकर की भक्ति में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं। थोड़ा सा कहीं भाग मिल जाता था तो घर में लेकर आ जाते थे, पर भाग जब घर में लेकर आते थे तो कोई भगत मांगने वाला आ जाता था तो उसको भी दे देते थे। दान अगर ब्राह्मण ले रहा है तो दान देने की प्रेरणा भी ब्राह्मण दे रहा है। आप सबको मालूम होगा पहले के समय पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा पीठाधीश मठाधीश जितने भी आते थे, ये किसी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ये ब्राह्मण के घर में ही जाकर अन्न भाग ग्रहण करते थे। और इसका प्रमाण अगर कोई कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है,
तो आप श्रीमद् भागवत को उठाकर देख लीजिए, अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत में अगर कोई कहे कि ये प्रमाण कहाँ लिखा है कि पहले संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जितने भी गुरुजन होते थे ये कहीं भोजन नहीं करते थे, ये कहीं अपने जल का पान नहीं करते थे, अगर करते थे तो केवल ब्राह्मण के घर पर करते थे, तो इसका प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है? कोई कहे तो श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा देख ली। अजामिल एक वेश्या की ओर आसक्त हो जाता है और वेश्या की ओर आसक्त होकर वेश्या से विवाह कर लेता है। ब्राह्मण होकर उसने वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में संत आ गए, साधु आ गए, उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव के लोगों ने हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, एक ब्राह्मण का घर है पर उसकी धर्मपत्नी वेश्या है। संत पहुंच गए उसके दरवाजे पर, आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देव, हे अजामिल, हे अजामिल। अजामिल बाहर निकल कर आए, बोले महाराज, अजामिल आप ब्राह्मण हो? हाँ। आपका क्या गोत्र है? हमारा ये गोत्र है। अच्छा, आप इस गोत्र के हो? हाँ। हम 12 संतों की जमात आई है, हम 12 संत लोग आए, साधु सन्यासी यहाँ पर आए। अच्छा, तो फिर हम आपके यहाँ भोजन करेंगे? अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, मैं भोजन कराता मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं भोजन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी धर्म पत्नी वैश्या है, मैंने उससे शादी करी है। अजामिल, उसका पूर्व का कर्म क्या था ये वो जानती है, पर 13 से विवाह करने के बाद वो ब्राह्मणी हो गई है। तो घर में भजन करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो सूर्यनारायण को अर्घ देता है कि नहीं देता? देता हूं। तो गायत्री करता है कि नहीं करता? करता हूं। यज्ञोपवीत धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। मस्तक पर तिलक धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। शिखा धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो तेरी धर्म पत्नी भी ब्राह्मणी हो गई, तू तो भोजन बना, हम भोजन करेंगे। मतलब ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण का घर ढूंढकर भोजन करते, भोजन कराओ। और संतों ने जब भोजन ग्रहण करा, भोजन ग्रहण करने के बाद संतों ने अजामिल से कहा कि अब दक्षिणा दो। अजामिल हाथ जोड़कर बोले, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं, वैभव नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दे सकूं। मैंने पहले ही भोजन कराने से पहले कहा था कि दक्षिणा नहीं दूंगा, तो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? संतों ने कहा अगर दक्षिणा नहीं है तुम्हारे पास में, तो हमें दक्षिणा में कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें दौलत और धन नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में केवल एक वचन चाहिए। क्या वचन? कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से अगली जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। उसका नाम तुम नारायण रख दो, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उस बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। दिन रात नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पानी पी लो, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। अंतिम समय में जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो नारायण को याद करा। अब ये नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात एक तत्व हमारा कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो भाव अगर शुद्ध है, अगर ब्राह्मण दान ले रहा है तो ब्राह्मण दान देने की प्रेरणा भी दे रहा है। भोजन कराकर, भजन कराकर, स्मरण कराकर, सत्संग। पहले के समय में चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, ये चारों जो वर्ण थे ये दान करना भी बहुत अच्छे से जानते। इनकी दान की परिभाषा भी बड़ी विचित्र थी।
कोई केवल यही नहीं है कि आपने कुआं बनवाया, आप ही ने बाड़ी बावड़ी बनवाई, आप ही ने केवल मंदिर बनवाया, या आप ही ने कोई आश्रम बनवाया, या आप ही ने गौशाला, या आप ही ने वृद्धाश्रम बनवाया। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पुराने संवाद उठाकर देखिए, अगर पहले के समय में लिखा हुआ आता था कि इन्होंने बावड़ी बनवाई, इन्हें कुआं बनवाया, इन्हें पेड़ लगवाया, इन्हें ये करवाया, अर्थात दान धर्म पुण्य सत्कर्म संकीर्तन ये हर जगह पर विराजमान, ऐसे कोई स्थान नहीं था जहां नहीं था। सर्वस्वता जहां पर हर जगह। अब ब्राह्मण देवता आज देख रहे हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, आनंद पाते हैं, पर घर पर थोड़ा सा प्रसाद लेकर आते हैं और इतने में कोई मांगने आ गया तो ब्राह्मण देवता वो भी दान दे देते हैं। शंकर का जो भगत होता है ना, शिव का जो उपासक होता है ना, उसकी एक लक्ष्यता रहती है कि भगवान अगर मुझे देगा ना तो मैं इतना प्रदान कर दूंगा, मैं भगवान अगर मुझे देगा ना, जैसे आपसे बार बार कहते हैं कि भगवान शंकर से एक प्रार्थना जरूर करना, इस कार्तिक के महीने में मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, महाकाल राजा से, विश्वनाथ से कहकर जाना कि बाबा मेरे जीवन में एक बार धन ऐसा देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा सकूं, बाबा से ही विनती कर कर जाना। और इतना बील पावर अपना मजबूत होना चाहिए, इतनी प्रबलता होना चाहिए, आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, सबसे कहना मुझे बाबा देगा और ऐसा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊंगा, इतना मुझे देगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे दृढ़ता है। छोटा मोटा विश्वास लेकर मत जाना। अरे किसी के पास जाओ ना तो उसके पास में जरा भारी बनकर जाना है, ऐसे हल्के वल्के बनकर नहीं जाना है। एक राजा ने कह दिया मेरे नगर में कल डोंडी पिटवा दो, सारे नगर को सूचना करा दो कि मेरे नगर में जो जिस वस्तु को छुएगा वो उसकी हो जाएगी। सारे नगर के लोगों ने तैयारी कर ली, सुबह उठते से मैं तो राजा का रथ छूंगा, कोई के मैं घोड़ा, कोई में कोई सोचे हार, कोई के धन, कोई के महल, कोई के दौलत, कोई के अटारी, कोई के जमीन, कोई के पुष्पा वाटिका सारा, तो कोई के राजा की रानी सुंदर में उके छूलूंगा। दुनिया है, सबने तैयारी करी, सवेरे जैसे गेट खुला सब राजा के महल में चले गए, कोई कुछ छू रहा, कोई कुछ छू रहा, राजा ने कहा देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। आखिरी में एक छोटा सा लंगोट लपेटा हुआ छोटा सा बच्चा, कोई साधु सा, कोई तपस्वी था, आया और राजा के सिंहासन पर चढ़ गया और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, छू लिया। बस राजा ने कहा ब्राह्मण देवता, ए गुरुवर, ए सन्यासी वर, ए योगी वर, आपको सिंहासन चाहिए? नहीं। आप और कुछ वस्तु छू लो, जो आपको चाहिए ले जिए। नहीं, मुझे आप चाहिए, मैंने आपको छुआ है। राजा ने कहा महाराज आप मुझे छुए, बाकी की वस्तुओं को क्यों नहीं छुआ? संत योगी सन्यासी तपस्वी कहता है जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो वस्तु तो वापस इकट्ठी हो जाएगी। राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चलती है, राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चले, एक बार ताली बजाए तो सेना सामने। उन्होंने ये नहीं किया कि सेना को छू ले, तुम्हें जो चाहिए वस्तु वो छू लीजिए। अब राजा को उसने छू लिया, अब राजा कह दे कि मुझे ला कर दो, राजा कह दे कि वापस धर दो, तो ये तो राजा के ऊपर आधारित है। तो राजा को अगर छू लिया तो राजा तुम्हारे कहने पर। उसी तरह हमें कहीं नहीं जाना, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारा भरोसा पक्का है, तो हमें देव अधिदेव महादेव का स्पर्श अर्थात शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना है। राम मंदिर में जाओगे तो राम जी को नहीं छू पाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे तो द्वारकाधीश को नहीं छू पाओगे। कौन गया द्वारका जी और छू कर आया भगवान को? किसी भी मंदिर में जाओगे आप भगवान को नहीं छू पाओगे। केवल दुनिया में एक ही मंदिर है और वो है भगवान भोलेनाथ जी का, आराम से बैठे हुए हैं। तुम्हारी मर्जी पड़े जावा जाना और छू के चले जाना, पानी लोटा भर चढ़ा जाना, अलमस्त होकर बैठे एकांत में, तुम्हारी मर्जी पड़े तब छूओ। क्योंकि भगवान कहते हैं
दुनिया के लोग उसको उज्जैन का, क्या कहते हैं, उज्जैन का राजा कहते हैं, काशी में उसे काशी का राजा कहते हैं, सोमनाथ में उसे सोम का राजा कहते हैं, केदार में उसे पहाड़ों का राजा कहते हैं। वो जगत का राजा है, उसका मात्र स्पर्श कर लेना ही, समझ लेना कि कोई वस्तु तुम्हें बाकी की छूने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा हो गया, तुम उसके हो गए, फिर क्या दिक्कत है। फिर क्यों सोचना, फिर कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने लाखों सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा, हे भोलेनाथ, हे शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, सहारा किसी का मिले ना मिले। बाबा, संसार सागर में जन्म लिया है, समस्याएं बहुत हैं, पर समाधान तू ही है। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा काफी है, एक तेरे करुणा सागर शंकर की दया। जब राजा स्वयं आपका हो जाएगा तो फिर किसी वस्तु को छूना पड़ेगा क्या आपको? नहीं ना, किसी वस्तु को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक बार राजा आपका हो गया, एक बार आपने अगर स्पर्श कर लिया भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शिव को एक बार स्पर्श कर लिया, फिर किसी वस्तु को छूने की जरूरत नहीं, आपको स्वतः मिल जाएगा। अब हम संसार की वस्तुओं को छूने का प्रयास करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे एक बार छू कर देख, एक बार मेरा स्पर्श कर दे। जब एक बार तूने मुझे छू लिया, स्पर्श कर लिया, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सोचना? हरि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अरे स्कूल में जो टीचर रखते हैं ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, स्कूल में टीचर हर सब्जेक्ट का अलग होता है। बोलो सही है कि गलत है? गणित वाला गणित पढ़ाएगा, तो गणित कौन पढ़ा सकता है जो गणित पहले जम के तो बोलो पढ़ चुका है? विज्ञान कौन पढ़ा सकता है जो विज्ञान जो पढ़ चुका है वही तो पढ़ाएगा? भले बच्चे कह दें, बच्चों के मन में भले आए कि हमने पढ़ाई करी, पर वो कहते ना, मैडम आपकी कसम, सारी रात पढ़ते हम, फिर भी आते नंबर कम, बताओ क्या करें हम। अब करे तो करे क्या?
पहला पेपर है हिंदी, उसमें आती है बिंदी, अब करें क्या। दूसरा पेपर है विज्ञान, जिसमें नहीं हमें ज्ञान, अब ध्यान आवे तो जो गणित पढ़ा हुआ होगा वही तो गणित पढ़ाएगा। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो वो क्लास उसने निकाल दी है, और गणित पढ़ाते 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 इतना रम गया कि वो क्लास में आता है, कलम उठाता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर देता है और तुम्हें समझाता है कि तुम ऐसा करना। जब तुम कोई हल करने बैठो और तुम्हारे पास में अंक कम पड़ जाए तो दो उधर से ले लेना। जब तुम्हारा भी विवेक काम नहीं करे तो पड़ोसन से जाके शिव महापुराण का दो उधर से ले लेना। बस गणित जो पढ़ चुका होगा वही तुमको पढ़ा रहा होगा, विज्ञान जो पढ़ चुका होगा वो विज्ञान पढ़ा रहा होगा, फिजिक्स जो पढ़ चुका होगा वो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, केमिस्ट्री जो पढ़ चुका होगा वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा। तो हमको तो ये लगता है वेद व्यास जी ने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें शिव महापुराण में लिखी है, मतलब ये पहले प्रयोग करके देख चुके हैं, इसलिए उन्हें लिख कर तुम्हारे पास में भेज दिया। टीचर प्रबल है, और टीचर अगर पक्का है जिसने पढ़ाया लिख दिया, कई कई टीचरों ने अपनी अपनी किताब भी लिखी है, तुम पढ़कर देखना उसमें लिखा रहता है डॉक्टर, और उनने ये किताब लिख दी, उनने वो किताब लिख दी, उनने ये लिख दिया, उनने तो उनने लिखी मतलब पहले उनने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ इसके करने से ये फल होगा, ऐसा करा जाएगा तो उससे ये मिलेगा, भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने से ये होगा, काली मिर्च चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करने से ये होगा, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से ये होगा, पंचामृत से यह होगा, उन्होंने पहले प्रयोग कर देख लिया, मतलब टीचर सब चीज हल करके देखता है उसके बाद तुम्हारे सामने आता है। कोई ऐसे ही कोई स्कूल में रख लेता है जो तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई ऐसे ही होगा। कुछ तो दिया होगा उस परमात्मा ने, और कर देखो उस टीचर ने लिखा, वेद व्यास जी ने इस पोथी को लिखा तो पूरा अनुभव कर लिखा, पूरा अनुभव। और देखो किसी भी प्रश्न को पहले हल कर देखो कि हो रहा है कि नहीं, केवल घबराना नहीं है, केवल घबराना नहीं है। जो समुद्र के किनारे पर चलते हैं उनको बड़ा आनंद आता है मॉर्निंग वॉक के टाइम पर, क्या हवा आ रही है, कितनी अच्छी लहरें चल रही है, पर वो चलने वाले को ये नहीं मालूम कि वो जो नहा रहा है ना समुद्र की लहरों में, उसको देखकर इसका जीवड़ा कुर्ता कितना अच्छा नहा रहा है, पर जो नहा रहा है उसके मन में आता है कि मैं नहा तो रहा हूं परंतु एक वो अंदर गोता लगा रहा है समुद्र के अंदर, उसको कितना मजा आ रहा होगा। जो गोता लगाना चालू करा तो उसके मन में आया एक बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, और इतनी नीचे पहुंच गया कि वहां से सीप में से मोती लेकर आ रहा है। बस हमें भी वही करना है, केवल किनारे तक नहीं रहना, केवल शिव महापुराण को केवल यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुछ ही थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा क्या गई थी, कहां गई थी, सियोर गई थी, क्या कर रहे, कथा सुनने के लिए, क्या लेके आई, खिचड़ी का प्रसाद। क्या लेकर आई है खिचड़ी, उसको कहना मैं केवल किनारे तक नहीं रही, मैं समुद्र में डुबकी लगा कर आई हूं, इस भव सागर से निकलने के लिए इस भागवत शिवपुराण रामायण गीता जैसे समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, तब मोती निकल कर आएगा। पहले भी कथा में कहा
पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। ये तरने का विषय है, यहाँ डूबने पर मरता कोई नहीं है, यहाँ तो तर जाता। हाँ, मरने वाले हो सकता है तुमसे ईर्ष्या रख रख के मर जाए, तो बात दूसरी, हो सके। इसमें पत्र में लिखा है किसी माता ने, बहुत सारे पत्र हैं, इसमें लिखा है किसी बहन ने कि गुरुदेव पहले कुछ भी नहीं चलता था और अब धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर हमें लग रही है। तुम्हें नजर से क्या करना, तुम्हें क्या करना नजर से? कभी मुर्दे को नजर लगती है? बोलो तो सरी। नहीं, मुर्दा जब जाता हो शमशान में तो उसकी नजर उतार के राई नॉन मिर्ची से उतार उतर के, रुक जा जरा, रुक जा, अभी मत ले जा, इसकी नजर उतार दे दो, कितना जोरदार लग रही है, रुको जरा। अंदर गई ने मिर्ची लाई, ने नॉन लाई, ने नमक लाई, और फिर नजर मजर उतार के फिर शमशान में भेजा, और शमशान में भी रख के भेज दी वही राई नॉन मिर्ची की माँ भी उतार देना है एक बार, हो नजर लग जाए तो किसी की। जब शिव पास में है, शंकर अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसकी नजर लगेगी? भूतों का राजा तो अपने साथ, भूत अधिपति, नजर लगा के तो बता एक कहीं का, कुछ नहीं करेगा। एक ही बारात में जितने गए थे नहीं, उनमें से एक कोई भेज दिया नहीं, वो और आप सबको मालूम है बारात में कैसे कैसे गए थे, किसी के 12 हाथ, किसी के हाथी नहीं, किसी की छाती तो मुंह ही नहीं, गर्दन ही गर्दन, और किसी किसी का इतना इतना शरीर तो नीचे से गायब भी हो गया, किसी का पांव नहीं तो रेंग के चल रहा, कितना विचित्र। शंकर भगवान की बारात गई और देवताओं ने कहा भी खूब कहा कि साहब ऐसे बराती लेकर जा रहे हो, भगवान बोले ऐसे जा रहे हैं यही सबसे बड़ा आनंद का भाव है। तुम्हारे यहां सब बीआईपी को बुलाते हैं, हमने इनके ही बुलाया। तो शादी में ये क्या काम करेंगे, शादी में तो अच्छा काम का व्यक्ति होना चाहिए। शंकर भगवान बोले ये जो करेंगे वो तुम भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्या करेंगे ये? तो के जब त्रिलोकी का नाथ कैलाश अधिपति शंकर बिहाने जा रहा है तो 33 कोटि देवता इतनी भीड़ बढ़ाएंगे, और हिमालय राज की नगरी में इतनी भीड़ मुझे देखने के लिए टूट पड़ेगी, तब रास्ता तो यही बनाएंगे। तो के रास्ता कैसे बनाएंगे? शिव जी बोले अब आगे चल के देखो तो सरी, चलो जरा। शिव जी की जब बारात चली, देवता सब आगे आगे, 33 कोटि तो सारे हिमालय राज की नगरी में भीड़ अपार, निकलने की रास्ता नहीं, और क्या जोरदार बारात, क्या जोरदार बारात। इतने में शंकर जी ने कहा हमारा नंदी फंस गया, तो एक डाकनी के बुलाया जी की 12 आंख थी, गज भर की जीवान, रेंग के चल रही थी, इसके किया जरा रोड तो साफ कर, और जो पहुंची तो जितने ऊपर से देख रहे थे सब टपक गए नीचे, नीचे रास्ता साफ। भगवान बोले ब्रह्मा जी से देख लो, तुम देखो कितना जोरदार, इतनी जल्दी कोई रास्ता साफ कर सके? रास्ता तो जब साफ होता है, जब एकदम भीड़ होता है, कैसे किसी के एक बार कजन ना जाने कहां की कथा थी, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आया, हैदराबाद के श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर की कथा, चप्पल बाजार में है। अब वहां पर लोग बेलपत्री, पहले बेलपत्री जो देते थे तो ब्याज पीठ से दे देते थे सबको, क्योंकि ठीक है लोग लेकर जाएं, उनका 7 दिन की जो बेलपत्र होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र और रोग को हरने वाली होती है, इसलिए वो 6 दिन की बेलपत्र लोग उसको खाते हैं हाथ पर शरीर ठीक करने के लिए, शुगर बीपी वाले।
और सातवें दिन की जो बेलपत्र होती है वो बरकत के लिए होती है। ये नियम है शिव महापुराण का, प्रयास रहता है। तो अब वहां पर बेलपत्र सबको दे रहा है, तो भीड़ भी बहुत, अब लाइन से आते जाओ, लेते जाओ, जाते जाओ। अब एक माता जी को ऐसा लगा कि अपना तो नंबर ही नहीं आएगा, पीछे थी वो बहुत भय, बहुत पीछे है। अब उन्हें क्या राम जी लीला रची, और उके तो आ गए महादेव, जो चिल्लाए तो आधे तो जो खड़े थे सब पीछे, जान दो आगे, जान दो जान दो, और वो यूंच यूंच हिलके सबसे आगे हो गई। उन्हें जो बेलपत्री ली ने चुपचाप खाती हुई, चुपचाप खाती खाती हुई। अब हमने आशीष से कहा, हमने गजब की ट्रिप, गजब। इससे मालूम पड़ता है कि ये हैदराबाद है, इससे ये मालूम पड़ गया कि चतुर बहुत है महाराज बहुत। और उन्हें बेलपत्र ली और खाते खाते निकल गए। अब वो रास्ता कैसे साफ होना है ये तो शिव जी जानते हैं, मार्ग कैसे सुलभ होना है शंकर जी जानते हैं। बहुत बाधा है ना आपके जीवन में, बहुत तकलीफ है ना आपके जीवन में, बहुत कष्ट है ना आपके जीवन में, बहुत रोग बीमारी सारी दुनिया की अड़चन आपके जीवन में है ना, होन दो। शंकर जी की शादी हुई रही, बारात जा रही है, कितनी अड़चन आई है साहब, कितनी अड़चन, पर एक सामने तो आ जाए, आके बताए। शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके जीवन में कितनी अड़चन, कितनी प्रॉब्लम, कितनी भी हो, घबराना नहीं, आप शंकर के उपासक हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, नजर वजर सब जाने दो, शिव जी की आराधना में लगे रहो, रास्ता अपने आप क्लियर होता चले जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, बाधा कितनी भी हो हटती चली जाएगी। आप विश्वास रखकर अग्रण्य होते जाओ, आप विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाओ, जितना विश्वास रखकर बढ़ते जाओगे उतना सुख पाते जाओगे। अब ये मत कहो कि नजर लग रही है ना जाने किसी की, हमारा तो काम धंधा चल गया बड़ी, तो चलने दो ना, तुम काय को बोलो नजर लग रही, तुम्हें क्या करना नजर लग रही। और इतना लोगों की दुकान चले उनके नहीं लगे, तुम्हारे ही लगे, नहीं ये सब विचार निकाल दीजिए, तुम तो बस भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति। पर नजर का चक्कर में एक बार इंदौर में कथा बाची, अपना पैलेस में कथा थी, बहुत पहले की बात है। अब वहां कथा में हमने श्रीमद् भागवत में कह दिया कि यशोदा मैया लाला की नजर उतारी थी, गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ी, ऐसी 21 बार घुमाई, बछड़े में धब दी, बछड़ा भाग गया, समझो नजर भाग गई, यशोदा जी ने उतारी थी। अब हमको क्या मालूम था, एक अम्मा सीख के चली गई, उन्हें अपने छोरा की उतारी, अब जो छोरा की उतारी तो गाय ने सींग मार दिया, अब वो एम्बॉय हॉस्पिटल में पड़ी रही। अब जजमान बोले साहब, वो अम्मा आती थी ना वो आगे आगे बैठती थी, उनके गाय ने सींग मार दिया तो वो एम्बॉय हॉस्पिटल में पड़ी, हमने कहा चलो मिल के आ जाए। अब गाड़ी में बैठ के उससे मिलने गए, मिलने गए तो हमने कहा अम्मा हर हर महादेव, अम्मा बोली आग लग जाए। अब हमने तो कहा अपन तो प्रेम बस बोले कि हर हर महादेव, अब क्या आग लग जाए, हमने कहा अम्मा क्या हो क्या गया, अरे तुमने किया था कि गाय की पूंछ पकड़ के ऐसी नजर, गाय ने सींग मार दिया। हमने कहा अम्मा हमने तुमसे ये थोड़ी ना कहा था कि तुम गाय से नजर उतारो, वो तो यशोदा कन्हैया की उतारी थी, तू गाय को उतारने गई। कई लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, उनके मन में वो कथा तो सुने पर ये ध्यान नहीं रखे कि करना क्या है, उसको सही तरह से करोगे तो और वो जो यशोदा जी कर सकती हैं वो आप कर सकते हो क्या, कौन कर सकता। अब विश्वास अगर दृढ़ी है, वो ब्राह्मण का विश्वास दृढ़ी था, बहुत दृढ़, और ब्राह्मण का जब विश्वास दृढ़ी रहा
शंकर जी की आराधना में डूबा रहा। जो लेकर आता, कहीं कोई मांगने वाला आ जाता तो उसको दे देता। पत्नी बड़ी दुखी थी, बताओ, एक तो घर में कमाई नहीं हो रही, एक तो घर में इनकम नहीं हो रही, एक तो घर में कुछ आ नहीं रहा, और ऊपर से बचा कुचा थोड़ा लेकर आते हो तो वो किसी दूसरे को दे देते हो। पत्नी भी दुखी, पर पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती थी कि तुम दान मत करो, कि पुण्य मत करो, कि सत्कर्म मत करो, कि तुम ये मत करो, कभी नहीं कहती थी। उसका एक फर्ज था, करो, ये शरीर जब तक चल रहा है दोनों हाथों से दान करते रहना, पुण्य करते रहना, भजन करते रहना। ना जाने परमात्मा ने इस बार क्यों दिया, ये मानव शरीर दिया क्यों दिया, इतना धन दिया क्यों दिया। भगवान अगर कटोरा पकड़ा के चार बत्ती चौराहे पर छोड़ देता तो ये भगवान ने कृपा कर कर थोड़ी सी संपदा दी है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, और उसका प्रयोग जब करोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक होता है गुणवंत, क्या होता है गुणवंत, एक होता है धनवंत, एक होता है शीलवंत, एक होता है भगवंत, एक होता है श्रीमंत। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुणवंत होना, धनवंत होना, श्रीमंत होना, गुणवंत होना, ये सब अपने हाथ में नहीं है। धनवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, गुणवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, शीलवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे। शीलवंत, गुणवंत, धनवंत, श्रीमंत, ये सब बनना हमारे हाथ में नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक तुम्हारे हाथ में है, भगवंत बनना तुम्हारे हाथ में है। तुम भगवान के भगवंत बन जाओ तो भगवान धनवंत भी बना देगा, श्रीमंत भी बना देगा, गुणवंत भी बना देगा, शीलवंत भी बना देगा, सब कुछ दे देगा। जब भगवान रूपी रतन मिल जाएगा तो धन कहां ना जाएगा। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति, एक गरीबड़ा अगर कुछ गलत काम करे ना तो लोग कह दें बताओ उनके छोरे ने यह कर दिया, और बहुत सेठ वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, और छोटा व्यक्ति अगर मदिरा का भी पान करे, मदिरा का भी पान कर ले तो लोग कह दे बताओ उसने मदिरा पी ली, और बड़ा व्यक्ति अगर मदिरा का पान करे तो बड़े घर के हैं साहब, अब उनके तो फैशन है, वो तो सब चले होए। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत बड़ा दुख रहा है। डॉक्टर साहब बोले चेक कराओ, चेक कराए, देखो दांत पूरे ही खराब हो गए हैं, निकालना पड़ेगा। निकाल दो, पर डॉक्टर साहब दर्द बहुत होगा। डॉक्टर साहब बोले वो दर्द तो होगा, सहन तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरे से सहन नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हारे जीवन में, अच्छा ये बताओ दर्द नहीं हो तुम, ऐसा कुछ जीवन में कभी पहले कहीं चोट लगी हो दर्द? तो क्या, हाँ एक बार पी के जा रहा था, गाड़ी से गिर गया तब दर्द नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपने कंप्यूटर को बुलाया, चलो एक काम करो इसको, अब ये दर्द हो तो इसलिए इसको एक बोतल एक ही पिला दिया। अब पिलाई, डॉक्टर साहब बोले निकाल लें दर्द होगा कि, अभी तो ऐसा लग रहा है कि दर्द होगा। डॉक्टर साहब ने कहा और दे दो इसको, और दे दो, फिर और दे दो। अब जो पूरा नशे में हो गया, डॉक्टर साहब बोले लाओ अब इसका दांत निकालें। इतने में वो खड़े होकर बोला की के बाप में दम है तुम्हारा दांत निकालेगा। अब डॉक्टर साहब बोले इससे तो पहले ही अच्छा था, छोड़ के आओ, वापिस घर छोड़ के आ, किसमें दम जो मेरा दांत निकाल। छोटा करे कह दिया ये मदिरा पान कर रहा है, ये नशा कर रहा है, बड़ा करे तो लोग कहते हैं ये फैशन का क्रम हो गया उनका। महाराज बहुत विचित्र है दुनिया के लोग,
एक बात कहें, आप सुखी होकर दो रोटी अगर अच्छे से खा रहे हो ना, तो विश्वनाथ का धन्यवाद देते रहना कि बाबा तू बहुत दे रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। भगवान को बारंबार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो मिल रही है दो रोटी, ये बाप की कृपा से मिल। ब्राह्मण देव ब्राह्मण देवता दान भी कर रहे, पत्नी कभी नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती। एक आज की पत्नी होती तो बात उसे, मनुष्य के शरीर में 1036 नाड़ियां होती हैं, कितनी जम के बोलो जरा, 1036 नसें मनुष्य के शरीर में होती है, और 1036 नस में से पत्नी को यह मालूम रहता है कि कौन सी नस दबाना, कैसे शुद्ध रहेगा। 1036 में से वो 36 अबाई को सब मालूम है, जरा से तुम उड़े और वो पोची, मेरे को सब मालूम है, मेरे से फालतू की बात मत करना। तुम अब पार्टी में क्या कर रहे थे मेरे से मुंह से मत सुनना, बिल्कुल मैं तुम्हें बता दे रही हूं। इतने में तो वो बैग उठाया ऑफिस चले गया, वो क्या मालूम अभी नस दबा देगी दो मिनट में, मतलब होती है कहीं कहीं की धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी का फर्ज, ये यहां जागृति बहन बैठी हुई हैं और श्री अभय जी सारस्वत जी के यहाँ से बहुरानी बैठी हुई हैं दीपिका जी, तो हम इनको दोनों को देखकर यही विश्वास रखते हैं कि आप दोनों अपने पतियों को धर्म के पथ पर लेकर आई हो। ये पक्का है कि चलो शिव महापुराण के यजमान बनना है, शंकर की कथा का अनुमोदन करना है, रसस्वादन ग्रहण करना है, भगवान की भक्ति में डूबना है। और यही कि यही चमड़िया परिवार में भी हुआ था पहले, हम ये चमड़िया जी जाने ना जाने, पर उनकी जो धर्म पत्नी थी, नहीं कथा करवाना है, नहीं चलना है, नहीं सत्संग करना है, नहीं स्मरण करना है। जरा माइक देना जरा, हो चाहिए। हाँ भी समणिया जी क्या कहना चाहते हैं? जो मार्च में हमारी कथा, माइक पास में लो। पहले हमने मार्च में बुक करवाई थी कथा, तो पहले मार्च में बुक करवाई, मार्च में थी, तो वो अब तो ये सोच रही थी कि तब तक मैं जिंदा रहूं न रहूं, ये कि एक बार गुरु जी की कथा दिवाली के पहले सुननी है, तो बाबा ने कृपा कर दी और हमारी कथा का नंबर लग गया जी। और अभी ये बात कर रही है कि यहाँ से वो कुबेरेश्वर महादेव को ये बोल के जाएगी कि एक बार पोरबंदर गुरु जी की कथा करवा। अरे वाह 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 वाह, बाबा की कृपा, बैठी बैठी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बस बाबा से यही निवेदन है, बाबा ऐसी कृपा करे, बहू बेटा आप लोग जो भी आए हुए परिवार के, भगवान खूब कृपा करे। ये तो, और साथ में एक और धन्यवाद देंगे हमारे अभय कुमार जी महाराज, सारस्वत जी तो अभी व्यासपीठ पर बोल के ही जा रहे थे कि हर साल, साल बोला था, हर साल यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि 12 वर्ष तक आप तो एक एक शिव महापुराण की कथा देते रहो, बाबा की कृपा ऐसी है, करुणा है। और हम तो आपसे भी कहेंगे बाबा ऐसा आपको भी दे, इतना दे कि बाबा आपको देता रहे और आप ऐसी शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, जीवन का एक सुख है। फिर निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठे हो, जो चोर को कुबेर बना सकता है वो क्या अपने को नहीं दे सकता? विश्वास रखिए, भरोसा। सुबह एक भैया कोई बैग टांग कर आए थे, वो आंख में आंसू भरकर रो रहे थे, तो
उनको वापिस बुलाकर पूछा क्या हुआ क्या ये बताओ। कहते हैं बस मेरी मम्मी ने बड़ा विश्वास रखकर मुझे यहाँ भेजा है, मेरी 3 बजे की ट्रेन से मुझे वापिस जाना है, पर मेरी माँ ने मुझे विश्वास रखकर भेजा है कि इस भूमि पर अगर गया है तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ बाबा भला करेगा। तो हमने कहा अगर विश्वास लेकर आए हो ना बाबू, अगर विश्वास लेकर पहुंचे हो ना तो ये पक्का है कि वो हारने तो नहीं देगा, अगली बार तू आएगा तो तेरी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होंगे। अभी भले दुख के हो कि कहीं तकलीफ हो, हृदय में घात हो, कोई बात हो, इसलिए पर अगली बार आएगा ना तो प्रसन्नता के अश्रु तेरे पास में होंगे, प्रसन्नता के। बस विश्वास रख कर जाओ इस भूमि से, भरोसा रख कर देखा। झोली मेरी तंग बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं, हे बाबा तेरी कृपा से विराजा हूं, मुझे विश्वास है तू खाली नहीं भेजेगा, करुणा तेरी।